जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिषासुर पर शक्ति की जननी माँ दुर्गा ने विजय प्राप्त की थी और आज के दिन राक्षस राज रावण पर भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी। तो आज हम सब इस दशहरे के पर्व के अवसर पर जो अन्यायी अहंकार से युक्त रावण का भगवान राम ने सत्य और न्याय के पे चलते हुए जो अहंकार और अन्यायी राजा का अंत किया था, तो आज भी देश में राज्य में ऐसे काफ़ी असुरी शक्ति है और हमारे अंदर भी असुरी शक्ति है। तो हम सब आज संकल्प लें और ये दशहरा का उत्सव का भी जो हमें प्रेरणा मिलती है वह सत्य और न्याय के रास्ते पे हम चले। तो आज हम सब संकल्प पे चले, संकल्प ले कि सत्य और न्याय के रास्ते पे चलकर जो भगवान राम ने रामराज की स्थापना, जिस तरह भगवान राम ने अन्यायी रावण से लड़ने के लिए समाज के हर तबके को जोड़ते एक सामाजिक समरसता का पर्व दशहरा हमें देता, तो आज हम देश में एक समरस समाज की स्थापना करें। और जब तक देश में समरस समाज की स्थापना नहीं होगी तो हम दुनिया क्या कल्याण क्या अपना भी कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए आज देश में बहुत ऐसी शक्तियाँ जो समाज को तोड़ने में लगी हुई है, ऐसे समय में दशहरा का पर्व हमें समाज को जोड़ते हुए एक समरस समाज की स्थापना करते हुए भगवान राम के आदर्श राम राज की स्थापना में हम सहभागी बने। की स्थापना